नमस्कार दोस्तों, तो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था वन प्लस नॉर्ड सीई टू, जो कि इंडिया पे एक्चुअली रियलमी 9 प्रो वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, उसका ही रिब्रांडेड वर्जन के हिसाब से लॉन्च हुआ था। लेकिन अभी लॉन्च होने वाला है वन प्लस नॉर्ड सीई थ्री, जिसका फुल डिजाइन, मतलब आगे पीछे कैसा डिजाइन होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, ये सब कुछ के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको ये सब के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटोला चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटोला चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ग्लॉसी टाइप का आपको स्मार्टफोन दिख रहा है, यही एक्चुअली इस बार का जो वन प्लस नॉट सी थ्री, इसके पीछे और आगे का डिजाइन है। तो मतलब यही चीज कह सकते हैं, रिसेंटली इंडिया पे जो रियलमी 10 सीरीज लॉन्च हुआ है, उसके पीछे आपको जैसा ग्लॉसी टाइप का पैटर्न वाला डिजाइन मिलता है, एग्जैक्टली सेम डिजाइन इसके भी पीछे आपको मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस है 8.12 मिलीमीटर और वेट है 190 ग्राम। और ये चीज अगर समझ में आ गया होगा, इसके पीछे आपको ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक बैक कवर मिलेगा। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें आपको सुपर एमोलेड नहीं लेकिन आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसके साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 618 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और HDR10 का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। प्रोसेसर में होगा स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर। कैमरे में मिलेगा 108 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसके 108 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ होगा EIS का ऑप्शन। ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल 2 वेरिएंट पे मिलेगा, 6 120GB और 8 120GB, टोटल 2 वेरिएंट पे मिलेगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.2 और इसके साथ आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट, मतलब 2 सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड हम सेम टाइम में इस्तेमाल कर पाएंगे। बैटरी में होगा 5000mAh बैटरी, 67W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद हमें से कुछ बाकी फीचर की अगर बात करो तो आपके से मिलेगा एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज, कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए अभी तक ऐसे ही मालूम चला है फरवरी महीना खत्म होने से पहले ये जो स्मार्टफोन डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए अभी तक मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन मालूम चला है, ये जो फोन जब इंडिया पे आएगा वही 21,000 रुपए के आसपास डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। तो अभी हर वीडियो से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर दूसरा कोई फोन आपको लेना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसके डिस्प्ले की बारे में बात करें, मतलब अगर हम लास्ट बार के साथ कंपेयर करते, पहली बात तो डिस्प्ले, इस बार आपको मिल रहा है बिगर साइज का बेटर रिफ्रेश रेट वाला आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, लेकिन लास्ट बार आपको मिला था छोटा साइज का एमोलेड डिस्प्ले। मैं पर्सनली एमोलेड डिस्प्ले को ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो इसलिए मुझे लग रहा है डिस्प्ले के मामले में इस बार आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड मिलेगा। प्रोसेसर, लास्ट बार आपको मिला था डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर, जो कि एक बढ़िया ठीक ठाक वाला प्रोसेसर है, लेकिन इस बार आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर और 21,000 रुपए पे स्नैपड्रैगन 695 उतना ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है। कैमरे की अगर बात करें, इसमें एक्चुअली आपको अपग्रेड मिलेगा। लास्ट बार आपको मिला था 64 8.2 का डीआर कैमरा, इस बार आपको मिल रहा है 108 2.2 का डीआर कैमरा। दोनों बार आपको मिलेगा EIS का ऑप्शन, मतलब इस मामले में आपको थोड़ा सा अपग्रेड मिलेगा। उसके बाद बैटरी के मामले में, लास्ट बार आपको मिला था 4500mAh बैटरी, 65W का चार्जर, इस बार आपको मिल रहा है 5000mAh बैटरी, 67W का चार्जर। तो इसलिए मैं ये चीज कहूंगा कि ये जो नया वाला नॉट सी थ्री जो लॉन्च होने वाला है, मुझे उतना ज्यादा जस्टिफाइड स्मार्टफोन नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर आप वन प्लस की तरफ से कोई फोन लेना चाहते तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेट स्मार्टफोन होगा। लेकिन अगर मैं एज ए स्मार्टफोन क्रिटिक इसे बताऊँ तो ये जो फोन मुझे उतना ज्यादा जस्टिफाइड नहीं लगा, क्योंकि 21,000 रुपये पे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज इसका डिस्प्ले, इसका प्रोसेसर, बाकी सब स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक है। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि 20-21,000 रुपए के अंदर ये जो वन प्लस नॉट सी थ्री जब लॉन्च होगा तो क्या आप इस प्राइस पर में इसे लेना चाहेंगे या फिर किसी दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन आप लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कॉन्सर्न करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।